हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम के नोट्स। और मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो। धमाकेदार साइंस का चैप्टर है हमारा, ये क्या है, केमिस्ट्री चैप्टर है। बिल्कुल सही सुना अपने, चैप्टर वन मैटर इन सराउंडिंग्स। मैं नोट्स लेके आ गया हूँ, बहुत अच्छी नोट्स है। एज यू कैन सी वी हैव डन द चैप्टर व्हाट इज मैटर, व्हाट इज बीन, इट इज बीन मेड अप ऑफ। ठीक है, मैंने एक्टिविटीज भी दे रखी है, लाइक एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी का, ऑल एनसीईआरटीज। ठीक है, देन वी कम टू सेकेंड पार्ट, करेक्टरिस्टिक्स भी होता है इसके, फोर करेक्टरिस्टिक्स है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली लिविंग विद एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला अंडरस्टैंड एक्टिविटी है कि दे पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग क्यों करते हैं, बिकॉज द देयर पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई। हाँ, जैसे कि दोस्तों ये रहा हमारा जो पार्टिकल्स हमारे छोटे, मैं बोल रहा था कि वो छोटे क्यों होते हैं, क्योंकि वो ना पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूसली मूविंग वाला हो गया, फिर पार्टिकल्स में दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, देन वी कम टू द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, लाइक थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट्स विद देयर करेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, अगर इससे आगे का मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन प्लीज मैं कमेंट करना और प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। मैं तब तक के लिए आपको एक असाइनमेंट मैंने बनाया है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय सो मच।